वेलकम टू माय चैनल श्वेता स्वीट होम। मैं हूं श्वेता और आज मैं आपको बताऊंगी भरमा करेला बनाना यानी बिटर गॉर्ड, जो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है, पर आज मैं जो तरीका बताऊंगी ये बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह से बनाने से, और ये सभी को पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं भरमा करेला बिटर गॉर्ड मसाला बनाते हैं। मैंने 5 करेले लिए हैं, ऊपर का स्किन निकाल दिया है और इसे हम बॉईल कर लेंगे पानी में 1 टेबलस्पून नमक डालकर 5 से 7 मिनट के लिए, और इसको डीसीडेड कर देंगे यानी बीज को निकाल लेंगे हम। अब गैस ऑन करना है, पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है, 1 टीस्पून सरसों डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। अब इसे पका लेना है 30 सेकेंड्स के लिए। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, इसे भी 1 मिनट के लिए भूनना है मीडियम फ्लेम पर। एक मिनट के बाद हमें इसमें अदरक लहसुन डालना है, इसे भी अच्छे से भून लेना है मीडियम फ्लेम पर। अब मैं इसमें रॉ मैंगो ऐड करूंगी, आम के टुकड़े, और इसे 30 सेकेंड्स के लिए पका लेना है सॉफ्ट होने तक। अब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, मिर्ची पाउडर ऐड करना है, धनिया पाउडर ऐड करना है, और 1/2 कप पानी डाल के मसाले को पका लेना है 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। जब हमारा मसाला पक जाएगा किशमिश ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। सौंफ का पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे भी। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, इसे भी अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब फ्लेम ऑफ कर देना है और मसाले को ठंडा कर लेना है। अब हम मसाले को करेले में स्टफ करेंगे और इसे धागे से अच्छे से लपेट देंगे ताकि हमारा मसाला फ्राई करते वक्त निकले नहीं। तो ये हमारा स्टफिंग तैयार है करेले का। तो ये हमारा करेला तैयार हो चुका है, थ्रेड से बांध लिया है मैंने इसे। इसे फ्राई करेंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है पैन में और उसे गरम कर लेना है। फिर हम एक एक करके करेला डालेंगे इसमें और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे स्लो फ्लेम पर। इसे 10 मिनट्स लगेंगे पकने में। बीच में हम करेले को पलटते जाएंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो अब हमारा स्टफ करेला तैयार हो चुका है, हम इसे निकाल लेंगे और फ्लेम बंद कर देंगे।